कोरोना का प्रकोप मध्य प्रदेश में कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का तांडव कहर बरपा रहा है। शमशान घाटों में अपनों के अंतिम संस्कारों के लिए लोग खड़े हैं, सिर्फ यही नजारा चारों तरफ। वहीं संस्कार धारी की हालत इतनी भयावह है कि ना तो अस्पतालों में जगह है ना ही ऑक्सीजन की आपूर्ति। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 653 है, वहीं 6 लोगों की मौत के आंकड़े प्रशासन बता रही है। वहीं उठती हुई आग के गुबार के बीच चारों तरफ सिर्फ जलते हुए शव। नगर निगम के शव निरीक्षक कुड़ाइया यादव ने बताया, बीती शाम कोरोना पॉजिटिव 42 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं आज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 9 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। उतने ही शव वाहनों में रखे हुए हैं। शाम होते ही 50 से ऊपर शवों का अंतिम संस्कार हो जाएगा। इसके अलावा कुड़ाइया ने कहा कि चौहानी शमशान घाट लकड़ियां भी कम पड़ गई, 1-2 दिन में लकड़ियां खत्म हो जाएंगी, जिससे स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कोरोना का कहर किस तरीके से इंसानों पर हावी हो चुका है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं मोक सदस्य हूँ प्रीत, मेरा नाम है सिमरप्रीत। कल एक्चुअली हमने किए थे 15 शव पॉजिटिव और आज आप देख सकते हैं 8 बजे से लेकर 3 बजे तक हमने टोटल 15 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया है। 2 शव अभी गाड़ी में रखे हुए हैं, बाकी अभी हमारे पेंडिंग हैं शव। और किस प्रकार से क्या आप लोगों को प्रशासन से कोई हमें प्रशासन से कोई हेल्प नहीं मिलती है, हमें स्वयं करना रहता है। और हम परिवार जो हमसे कराना चाहता है हम उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। कई परिवार वाले होते हैं कि जो हमें नहीं कर पाते हैं तो भी हम उनके लिए हेल्प करते हैं। चूंकि सरकारी आंकड़े जो आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो 4-5-6 आ रहे हैं, क्या वास्तविक स्थिति है यहाँ की? क्योंकि आप ये चौहानी में जो हम लोग खड़े हैं, हम आपको बता दें कि अभी हमने टोटल प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके 15 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया है। अभी 2 शव हमारे वेटिंग पे हैं, अभी और भी हमारे शव आने हैं। नगर निगम ने टोटल अभी 9 शवों का अंतिम संस्कार किया हुआ है और हमारे टोटल 15 शवों का पॉजिटिव बॉडियों का अंतिम संस्कार हो चुका है। अभी कितना समय और क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से अभी शाम तक आने की करीबन 40 से 50 बॉडियों की आने की संभावना है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, बिलासपुर से, हितेश शुक्ला नाम है मेरा। मेरी बड़ी माँ खत्म हुई है, गीता उपाध्याय नाम है उनका। और मैं कल मेडिकल कॉलेज में जब उनकी डेथ हुई शाम को 4:40 में, तब से सिर्फ यहाँ के प्रबंधन का रूल और यहाँ के तकलीफ़ों को देख रहा हूँ कि वहाँ से यहाँ लाने तक मुझे किस तकलीफ़ों का दौर से गुजरना पड़ा। आज मैं यहाँ पर लाया हूँ तो पहले मुझे लकड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ी, लकड़ियों के लिए मुझे 2400 रुपये देना हुआ। उसके बाद यहाँ दाह संस्कार के लिए कपड़ा सामान, उसके लिए 800 रुपये, 1200 रुपये, 1500 पहले नेगोशिएशन करूँ, मतलब कि पहले व्यापार की बातचीत कर लूँ कि सामान की व्यवस्था कैसी करनी है, वो भी दबाव देकर नहीं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कि पहले मैं व्यवस्था करूं अपने पैसों की, नहीं तो आप जाओ जहां से व्यवस्था बनती है वहां से ले आओ। लॉकडाउन चल रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि आप यहां पे दाह संस्कार कराने आए, कोई जो लिस्ट है वो कोई तय नहीं है? कोई तय नहीं, आदमी देख के, चेहरा देख के, व्यक्ति को देखते हुए पैसे को निकाला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अवैध वसूली चल रही है। एनजीओ वाले जो यहाँ पे जितने प्रकार की बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने की बात कर रहे हैं। जितना जैसा व्यक्ति जिस तरीके से टूट जाए और जिस तरीके से उनसे सौदा हो सके। जी, क्या मांग कर रहे हैं आप? बस प्रशासन से यही मांग है कि कुछ तो दया रखे, रेट लिस्ट बना दें प्रशासन। कलेक्टर साहब को भी अगर चाहिए तो रेट लिस्ट तय कर दे कि 1000 में होना है, एक मौत 500 में होना है कि 5000 में होना है। आदमी वैसी व्यवस्था बना के रखे, एक रेट लिस्ट तय कर दे। गरीब आदमी, मेरा नाम हितेश शुक्ला है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। राकेश शुक्ला, अभी हमने 9 का दाह संस्कार करा चुके हैं, 9 पॉजिटिव थे, भी 9 और पॉजिटिव गाड़ियों में रखे हुए हैं, उनका भी दाह संस्कार कराना है। अभी तक नगर निगम के द्वारा 18 पॉजिटिव बॉडी ले ली गई है अभी तक, और अभी वेटिंग में है। अभी उनकी गिनती हम कंफर्म नहीं बता सकते कितनी शाम तक हो पाएंगे, लेकिन सब पॉजिटिव बॉडियाँ ही उठाएंगे हम लोग। कल भी कितना कल नगर निगम ने 33 शवों का अंतिम संस्कार कराया। 3 हमने गुप्तेश्वर में कराया मशीन के द्वारा, 3 बिलेरी की थी कब्रिस्तान में गड़वाए, बाकी 27 यहाँ पर जलवाई गई। मोक्ष संस्था द्वारा भी यहाँ पे मोक्ष संस्था के द्वारा कल 15 बॉडी कराई गई थी, 15 बॉडी उनके द्वारा भी कराई गई थी, सब पॉजिटिव थे उनके। आज भी उनके द्वारा भी 15 बॉडी कराई जा चुके हैं। तो आंकड़ा, अभी दिन का समय है, रात होते होते क्या लगता है आपको, कितने कल 48 गई थी, आज 50 तक जाएगी, 50-60 भी हो सकती है, लेकिन कर नहीं पाते हैं,
जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे लकड़ियों की हैं व्यवस्थाएं हैं जी, और जी। भी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो क्या लगता है आपको कि पूरी है यहाँ व्यवस्था? नहीं, कुछ समस्याएं तो आती है, मतलब लकड़ी जमने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से करना है तो उसमें समय लगता है और लकड़ियों की भी कभी कभी शॉर्टेज हो सकती है। क्योंकि सूत्रों से भी जानकारी मिली थी कि लकड़ियाँ जो है सिर्फ एक दिन की बची हुई हैं। हाँ, एक दो दिन की, बस एक दो दिन, ज़्यादा तीन दिन की बची रहेंगी, मिल नहीं पा रही है जैसा टाल वाले बोलते हैं। तो प्रशासन ने इसके लिए कुछ इंतजाम? हाँ, कर रहे हैं, SDM साहब से बात हो रही है, कुछ ऊँचे स्तर पर अपना काम करेंगे, पहुँचाएँगे लकड़ियाँ। नाम बता दीजिए। नाम मेरा कोंडय यादव है। स्वस्थ तो कुछ नहीं है, मोक संस्था से हूँ मैं। व्यवस्थाएँ कुछ नहीं है, ना पानी है, ना पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पाता है। इतनी गर्मी में आप कैसे काम करते हैं? आप देखिए, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6-7-8 बज जाता है, कोई व्यवस्था है, पानी आने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? ये सर जी जलाते हैं, निशुल्क सेवा कर रहे हैं। हाँ, मोक्ष संस्था की तरफ से जलाते हैं सुबह से शाम तक। कोई भी मतलब प्रशासन की तरफ से आप लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं? नहीं, किसी और भी चीज़ों की नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। जो कुछ भी होता है, जब लड़के फ्री होते हैं तो उनको पैसे देते हैं, तो खुद बॉटलें खरीद के लाते हैं तो पानी पीते हैं हम लोग। और बहुत से परिजन ऐसे भी आते लॉकडाउन के वजह से, बहुत से परिजन ऐसे भी आते होंगे जिनके पास पैसे नहीं होते होंगे लकड़ियों के लिए, जी, जी। उसके लिए ना पानी के लिए, तो फिर क्या आप ही लोग? जी हाँ, हम ही लोग उनकी मदद करते हैं सब। अगर नहीं है किसी के पास तो खुद ही लकड़ी जमाना, खुद ही उनसे सब कुछ करवाना। कई परिजन ऐसे भी आते हैं वो नहीं भी करते हैं, तो हम ही लोग उनका पूरा क्रियाक्रम करते हैं।